हेलो एवरीवन, फिर से आपके साथ अनिल रंग का। और ये पहला मैच जिसने जीता था वो था सिंपलीफाई 11। दूसरा मैच जीता था नेक्स्ट लेवल ने। तीसरा मैच जीता था शांगले चना। चौथा मैच चल रहा है अभी राजेंद्रा और कुमता के बीच, जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन में। कुमता अभी फिलहाल एक नंबर वन पोजीशन में, और राजेंद्रा अगर ये मैच जीत जाए तो शायद नंबर वन पोजीशन पर आ सकती है रन रेट के हिसाब से। और ये मुकेश जी बॉलिंग करते हुए और बहुत ही सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हैं राजेंद्र जी। और ये चौका लेग साइड की ओर, स्कोर अच्छा बना गया है। चार ओवर में 35 रन है। जितेंद्र जी 21 रन, 16 बॉल में 21 रन बना के वो खेलते हुए। और राकेश जी 10 बॉल 11 रन। राकेश जो टीम के वॉल माने जाते हैं, हर बार अपनी टीम को खड़े रह के सिंगल मैन की तरह स्कोर खड़ा करते हैं। और आज के मैन ऑफ द मैच प्रेडिक्शन के दावेदार है जीतू भाई राजेंद्रा टीम के। और कुमता टीम से है मुकेश जी, जो बॉलिंग कर रहे हैं अभी। नो बॉल का इशारा देते हुए अंपायर, बहुत अच्छी बॉल डाली मुकेश जी ने। और संतोष जी बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए। और बहुत ही बढ़िया शॉट राकेश जी की तरफ से, और ये बाउंड्री की तरफ बॉल दौड़ती हुई, और ये चौका। ये बहुत ही होशियार खिलाड़ी है, गंदी बॉल को गैप में मारते हैं और अच्छी बॉल को प्लेयर के हाथ में देख के भाग जाते हैं। मौसम बहुत ही सुहाना है आज। और एक और वाइट बॉल, वाइट से रन बढ़ते हुए राजेंद्र के। और एक और बढ़िया शॉट, अच्छे फील्डिंग भरत की ओर से, लेकिन बॉल बाउंड्री की ओर दौड़ती हुई, और ये चौका।
स्कोर 5.1 में 52 रन, अगली बॉल सिंगल लेते हुए राकेश जी, फाइव पॉइंट टू में 53 रन बना दिए, बहुत अच्छे खेलते हुए दोनों खिलाड़ी राजेंद्र रॉयल्स के, जीतू भाई और राकेश दंतेवाड़िया। और ये अगली बॉल मारने की कोशिश की लेकिन वाइड, बहुत ही ज़्यादा रन आ रहे हैं इनको एक्स्ट्रास में आज कुमता की तरफ से, जो कि इनको चेसिंग में तकलीफ दे सकते हैं। और बहुत ही फास्ट सिंगल, अच्छा थ्रो लेकिन बच गए। महेंद्र भाई जीतू भाई से माफ़ी मांगते हुए, इनको बॉल मारने इस टाइम पर लेकिन मारी इनके पाँव पे। गगन बॉलिंग करते हुए, राकेश जी और जीतू भाई दोनों सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए 5.3 में 55 मार दिया अब तक। और ये बॉल हाथ में देख के दौड़ रहे हैं, कीपर ने बॉल छोड़ चुक गई और बच गए जीतू भाई बार बार। राकेश भाई पानी मंगाते हुए, थक गए बहुत सिंगल लेते हैं ना इसके लिए। 5.4 में 56 हो गए अब तक इनका स्कोर, दोनों बढ़िया खेलते हुए। और ये बढ़िया शॉट और ये अच्छी फील्डिंग, सिंगल ही दिया जो बाउंड्री हो सकती है उसको रोक के सिंगल में कन्वर्ट कर दिया फील्डर ने, बहुत ही अच्छे फील्डर है आयुष लुंकड़। ओवर की आखिरी बॉल, हर बॉल सिंगल लेने का इन्होंने निर्णय कर लिया राकेश जी ने। अब ले रही हो क्या ऑब्लेरी? सिक्स ओवर स्कोर 58 और पानी लाते हुए कैप्टन, स्पॉन्सर लाइव स्ट्रीमिंग के सनलाइट दिल्ली विजयवाड़ा, अवतार मीडिया पार्टनर, को स्पॉन्सर्स साई फ्लाई एंड डेकोर्स। तीसरी स्पॉन्सर्स टीम ओनर फ्यूचरा। सिक्स ओवर्स को 58 आफ्टर ब्रेक, फिर से आ चुके हैं हम और फिर से प्लेयर के हाथ में बॉल देके भागते हुए रन, दोनों बहुत ही होशियार हैं, सिंगल सिंगल करके मैच को बहुत ही अच्छे स्कोर की ओर लेते जाते हुए 6.1 में 59 रन बन जा चुके अब तक दोनों।
हर बॉल सिंगल लेने का ठान लिया इन लोगों ने। प्लेयर के हाथ में बॉल जाए तो भी सिंगल दौड़ते हैं दोनों। इस बार दौड़ने के लिए मना बोला, जीतू भाई ने देखता थक गए हैं। राकेश विश्राम करते हुए पिच पे, अगली बॉल चौका मारने का सोच रहे हैं लेकिन वाइड। क्या लगता है आपको, अगली बॉल चौका है कि छक्का है? राकेश अच्छे प्लेयर हैं और ये सिंगल। मौसम का मजा लेते हुए दोनों प्लेयर 6.3 में 61 बना चुके अब तक, बहुत ही अच्छे स्कोर खड़ा कर चुके हैं अब तक। बहुत ही बढ़िया शॉट और प्लेयर के हाथ में सिंगल मिल जाएगा इजी। सिक्स पॉइंट फोर 64 स्कोर। हर बॉल सिंगल लेते हुए राकेश 6.5 65। अच्छा हो जाते हैं कुमता के लिए, 7 ओवर में उसको 65 है। जितेंद्र जी 24 रन पे खेलते हुए, राकेश दांतेवाड़िया 32 पे। सात ओवर 65 स्कोर। पॉजिटिव स्कोर 140 दिखाता है स्क्रीन पे। बहुत ही बढ़िया सिंगल राकेश की ओर से। गगन जो पहली बार डीवाईसी में खेल रहे हैं बॉलिंग करते हुए, और ये लूज बॉल और चौका। रन बढ़ते हुए 7.2 में 70 स्कोर। जीरो विकेट। बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे दोनों और ये बहुत ही अच्छी शॉट लेकिन प्लेयर के हाथ में है। पहला विकेट गिरता हुआ महेंद्र रॉयल्स का। रिप्ले में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बॉल डालते हुए और बहुत ही अच्छी शॉट मारी लेकिन इनका बैड लक के फील्डर वहाँ खड़ा था और बॉल सीधी फील्डर के हाथ में। आप साइड स्क्रीन में देख सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स के डिटेल्स जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है टूर्नामेंट के लिए। हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ हर बार ऐसे जुड़े रहे और हमारे सब टूर्नामेंट को सफल बनाने में योगदान दें। थोड़ा योगदान और पूरा सक्सेस। हम डीवाईसी किसी चीज़ की कमी ना रखे इसकी पूरी कोशिश करेंगे। सब प्लेयर्स को अपना पूरा गेम खेलने को मिले और पूरी सुविधा मिले।
और ये वाइट बॉल, सेवन पॉइंट थ्री इसको 71। और राकेश भरत और ये गगन अगली बॉल डालते हुए बैटिंग पे, जे उबानी पहले हाइट का इशारा करते हुए अंपायर, और जे उबानी भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, सिंगल लिया उन्होंने अच्छी तरह से। एट ओवर्स को 73 और एक विकेट की अब तक रेंजर रॉयल्स का 73 एट ओवर्स। कास्ट पार्टनर है दिल्ली विजयवाड़ा, को स्पॉन्सर जीएम स्विच मॉडल पाइप लिमिटेड, टीम ओनर्स रेंजर रॉयल्स, सिल्वरकॉन स्पॉन्सर ग्रुपो, टीम ओनर हिल्स, कप्तान अंदर आके पानी पिलाते हुए प्लेयर्स को और स्ट्रेटजी बनाते हुए आगे की। हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर्स विजय भाई जो सीधे केरला से आते हर हफ्ते हमें सुविधा देने के लिए, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हर मैच को आप तक पहुंचाया है बिना एक बॉल चुके। बहुत ही बढ़िया काम है इनका। आपको किसी को भी इसकी ज़रूरत हो तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। वाइट बॉल विजय भाई जो कि केरला से आते हैं, इनका बिजनेस वहाँ पे आईटी बिजनेस है, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, इनका साइड बिजनेस है लाइव स्ट्रीमिंग का, लेकिन इनका काम बहुत ही श्रेष्ठ है, आप देख सकते हैं सब लोग। राकेश जी हर बॉल सिंगल लेते हुए, जीतू भाई जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच दावेदार थे, प्रेडिक्शन थे टीम ओनर की तरफ से, आउट हो चुके हैं अभी। जियो बानी स्ट्राइक पे और ये बच गए, बार बार बॉल चुक गई और स्टंप के पास पिच हुई लेकिन स्टंप को नहीं लगी। विकास जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आज, दोनों प्लेयर धीरे धीरे टीम को आगे बढ़ाते हुए। और अगली बॉल कहीं मारते लेकिन सिंगल इनको लेना ही है, भले बॉल प्लेयर के हाथ में क्यों ना जाए। स्कोर बढ़ता हुआ 78 8.4 ओवर्स में,
सिंगल लेते हुए जियो बानी। आपको हम बोल देते हैं कि ये मैच टूर्नामेंट का अब तक सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन सेफ है 6 टीमों के लिए, क्योंकि अब तक खाली कुमता ही अपनी पोजीशन पक्की कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। और ये बाउंड्री राकेश जी बहुत ही सुपर खेलते हुए, ये टीम प्लेयर रिलैक्स करते हुए, इनको पता जब तक राकेश ग्रीस पे है हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। स्कोर 9 ओवर्स में 83 हो चुका है एक विकेट के नुकसान पे। राकेश जो 40 रन बना के खेल रहे हैं, जियो बनी 3 रन पे खेल रहे हैं। स्कोर प्रोडक्शन 138 रन से 15 ओवर का। महेंद्र भाई बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉल। हाँ बोल मच्छा। हाँ हारे करती कागलारी आवाज अच्छी आ रही है रे। कन्नी कागलारी क्रोरी। अच्छा न्यूज़ मीडिया पर लाइव मैच वाले यहाँ मीटिंग का दिन नहीं आवाज आती मैं किरु पादरो ऑफर हमारे ऑडियंस जो कि हमारा लाइव मैच देख रहे हैं उनका कॉल आया कि आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। अतुल जी तलावट जो कि इस बार कुछ कारणवश नहीं खेल पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो अगले टूर्नामेंट में हमारा सहयोग दे और हमारे टूर्नामेंट में खेले। हम उनकी अगली बार खेलेंगे भी और सुबह बैठ के कमेंट्री भी करेंगे। और इन्होंने कहा है कि अगली बार खेलेंगे और कमेंट्री भी करेंगे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी पिच पे आए और थोड़े अपने करिश्मा दिखाए बैट और बॉल से। फिलहाल के लिए सभी टीमों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी टीमों को ऑल द बेस्ट बोलते हुए अतुल जी तलावट जो हमारे कमेटी मेंबर रह चुके हैं और हमारे कमेटी के लिए बहुत अच्छी काम किया था इन्होंने। कुछ कारणवश इनके बिजनेस की वजह से लोग इन्होंने हमारे कमेटी को अलविदा कहा था, लेकिन हम चाहेंगे कि वो जल्दी वापस लौटे और हमारा सहयोग दे काम काज में। दिल खुश कर दिया। स्कोर 9.4 ओवर्स, स्कोर 87, बहुत अच्छे खेलते हुए राजेंद्र रॉयल्स, एक ही विकेट गया अब तक। चलो चलो बाय बाय। हरमंदर भाई बॉलिंग करते हुए, बहुत ही अच्छी शॉट लेकिन सिंगल। नाइन पॉइंट फाइव ओवर्स में 88 स्कोर। महेंद्र रॉयल्स का महेंद्र भाई जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, और राकेश जी 2 रन के लिए दौड़ते हुए और 2 रन पूरा कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छी बैटिंग राकेश जी की, 45 मार चुके हैं 32 बॉल में। और महेंद्र रॉयल्स का 10 ओवर 90 रन हो चुका है, पॉजिटिव स्कोर दिखा रहा है 135 15 ओवर में। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए राकेश जी। ब्रॉडकास्ट पार्टनर सनलाइट जीवाड़ा दिल्ली, आई कॉपर किट स्पॉन्सर, टीम ओनर कुमता टाइगर्स, टाइटल स्पॉन्सर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक जोन,
की स्पॉन्सर मावी ट्रांसपोर्ट, सेव वाटर, क्योंकि हमें पानी की बचाव करने की बहुत ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि आज बारिश हो और चेन्नई में थोड़ा पानी बरसे और लोगों की जो दुख भरी कहानी है वो पानी से हरी भरी हो जाए। 10 ओवर में 90 रन और विकास बॉलिंग करते हुए, युवान बैटिंग पे, और बहुत अच्छी बॉल और हाथ में देखे भाग रहे हैं जेवानी और सिंगल पूरा किया। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए राकेश सांतेवाड़िया, जो कि 45 रन बना चुके हैं 32 बॉल में। अच्छी बॉल, बार बार बचे राकेश। हमारे दोनों अंपायर जो टीएनसी लीग के लिए खेलते हैं, बहुत ही अनुभव अंपायर से। इनकी छोटी उम्र में इन्होंने बहुत ही कमाल का गेम खेला टीएनसी के लिए। और अगली बॉल हाथ में देके सिंगल दौड़ते हुए राकेश, ओवर्स में 92 रन्स, 4 विकेट। और अच्छी बॉल सिंगल लेते हुए जे अबानी, बहुत ही तेज है भागने में। राकेश 4 रन दूर है अपने 50 अर्धशतक से, हाफ सेंचुरी से। आखिरी बॉल ओवर की, सिंगल लिया। स्कोर हो गया 94, आखिरी बॉल बाकी है। ओवर हो चुका है, अंपायर की गलती, अंपायर ने चेक किया और ओवर कम घोषित किया। ब्रॉडकास्ट पार्टनर सनलाइट चेन्नई विजयवाड़ा। को स्पॉन्सर मनी बत्रा ज्वेलरीज, को स्पॉन्सर MGDMK, एनर्जेटिक स्पॉन्सर मोनो मैक्स, नवकार मार्केटिंग चेन्नई टीम स्पॉन्सर, सेव वाटर। हम चाहते हैं आप लोग सब पानी को बचा कर रखें कि पानी बहुत कीमती चीज़ है। उसको 94, राकेश 47 पे खेलते हुए, और तो बड़ी शॉट और चौकी की ओर, अरे 50 पूरा राकेश का। सुपर सुपर गेम खेलते हुए राकेश टीम को मजबूत स्कोर की ओर लेते जाते हुए।
उमता के प्लेयर बाउंड्री पे खड़े हैं लेकिन बॉल पकड़ नहीं पा रहे हैं, फिर राकेश गैप में मारते हैं। और ये सिंगल लेते हुए दूसरा रन भी भागते हुए स्कोर 100 बन चुका है राजेंद्र रॉयल्स का। राकेश 53 38 बॉल्स में बहुत अच्छा गेम खेलते हुए और अच्छी बॉल महेंद्र भाई की ओर से, बहुत ही अनुभव खिलाड़ी है। टीम का 100 बन चुका है 11.2 ओवर्स में और बहुत ही बढ़िया शॉट गैप में दो रन लेते हुए आसानी से। स्कोर 102 11.5 ओवर 4 ओवर्स। और ये बहुत ही अच्छा विकेट महेंद्र भाई का, राकेश को आउट किया। और ये रिप्ले देखिए इस तरह आउट किया, कैच आउट हुए। स्कोर 102 पे 2 विकेट राजेंद्र रॉयल्स का, महेंद्र भाई का पहला विकेट आज के मैच का। नए बैट्समैन अंदर आए हैं, सोहन ऑटो वाला। इलेवन फाइव ओवर्स स्कोर इज 102 for 2। आखिरी बॉल ओवर की और ये सिंगल लिया सोहन ने बहुत ही होशियारी से। बारह ओवर हो चुके 103 पे 2 विकेट राजेंद्र रॉयल्स के। लेग अंपायर रेस्ट लेते हुए, सुबह 6 बजे से लोग अंपायरिंग कर रहे हैं और अभी एक इनिंग बाकी है। सुबह 6 से 5 बजे तक ये लोग अंपायरिंग करते हैं बिना ब्रेक लिए। बहुत ही धन्यवाद देते हैं डीवाई सिंह का। अगला ओवर की पहली बॉल और ये अच्छी शॉट मारी सोहन ने और ये चौका, बहुत ही बढ़िया शॉट सोहन की बैट से। दूसरा
दूसरी बॉल ओवर की। ओके और एक अच्छी शॉट प्लेयर के हाथ में, सिंगल लिया। और स्वयं जो कि बहुत ही फास्ट गेम खेलने आए हैं, पीछे के तीन ओवर बाकी है। प्रोजेक्ट स्कोर 131 दिखाता है अभी स्क्रीन पे। अरे वाइट बॉल खेलते हुए जे ओबा ने सिंगल लिया और ओवर थ्रो में एक और रन आया। नो बॉल का इशारा देते हुए अंपायर, रिप्ले बन गया। हाँ हाँ सेकंड्स एकदम भाई। द टेंट के बैलेंस कुल को सुना रहूँगा। मावीर को मावीर मावीर सर रहूँगा। इल्ला और पाइटर सर ना और फोर संतरे को। हाँ हाँ अबे पाउडर कम कुलते रहूँगा। ओके स्कोर 111। और अभी एक इनिंग बाकी है, छोटी बहुत ही फास्ट गेम खेलने आए हैं, ठीक है फिर और बाकी है। स्कोर 121 दिखाता है अभी स्क्रीन पे। बहुत ही बढ़िया शॉट और प्लेयर के हाथ में कैच। राइट बॉल खेलते हुए देवबा ने सिंगल लिया और ओवर थ्रो में और एक अच्छी शॉट प्लेयर के हाथ में, सिंगल लिया। स्कोर 112 2.4 ओवर्स में। और एक अच्छी शॉट प्लेयर के हाथ में, सिंगल लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 112। फास्ट गेम खेलने आए हैं, पीछे के तीन ओवर बाकी है। स्कोर 121 दिखाता है अभी स्क्रीन पे। राइट बॉल खेलते हुए जे ओबा ने सिंगल लिया और ओवर थ्रो में तेरा ओवर 112। पुजे स्कोर कम होता हुआ 129 पे आ चुका है 140 से। 12 बॉल बाकी है। और ये लास्ट दो ओवर की शुरुआत करते हुए महेंद्र भाई बॉल हाथ में लेते हुए और ये फील्डिंग सेटिंग करते हुए कप्तान
ललित भाई बैटिंग करते हुए पहली बॉल मारने गए और चुप गए। ग्यारह बॉल बाकी है, स्कोर 112। और ये बोल्ट महेंद्र भाई का दूसरा विकेट। रिप्ले में देखिए कैसा आउट हुआ प्लेयर, देखिए बहुत ही बढ़िया बॉल। प्रकाश टीम के कैप्टन अंदर आते हुए आखिरी 10 बॉल का सामना करेंगे जियोबानी के साथ। स्कोर जाए एक बार 141 दिख रहा था, अभी 130 की ओर दिख रहा है। लास्ट आखिरी 10 बॉल बाकी है, स्कोर 112। और बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग बॉलर की तरफ से और बहुत ही आसानी से रोका बॉल को और सिर्फ सिंगल में कन्वर्ट किया। रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की जियोबानी ने, लेकिन चुके। बहुत ही बढ़िया ओवर महेंद्र भाई का। ओवर की आखिरी बॉल, स्कोर 114, 4 विकेट के नुकसान पे। महेंद्र भाई बॉलिंग करते हुए, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और बहुत ही बढ़िया शॉट खेली है। दो रन मिले प्रकाश को जो टीम के कप्तान है। 14 ओवर में स्कोर हो गया 116। आखिरी 6 बॉल, सनलाइट ब्रॉडकास्ट पार्टनर दिल्ली विजयवाड़ा, 85 रन मैन स्टूडियो स्टाइलिश प्लेयर अवार्ड स्पॉन्सर, इन्विटेशन स्पॉन्सर SKW, जर्सी स्पॉन्सर टिब्रो, तस्कर्स टीम ओनर। आखिरी 6 बॉल, संतोष बॉलिंग करते हुए, जियोबानी बैटिंग पे। आखिरी 6 बॉल की पहली बॉल बहुत ही जोर से मारी और ये चौका, स्कोर पहुंच गया 120। आखिरी 5 बॉल बाकी है, आखिरी 5 बॉल। और बहुत ही बढ़िया शॉट खेली है जियोबानी ने, हवा में बॉल फील्डर आते हुए और कैच चुकी, दो रन भागते हुए दो रन प्राप्त किए।
आखिरी चार बॉल, स्कोर हो चुका है 122। बहुत ही बढ़िया शॉट और बॉल फील्डर के हाथ में, और ये दो रन बहुत ही होशियारी से ले लिए प्रकाश ने, जो टीम के कप्तान है। 126 बन चुके हैं आखिरी तीन बॉल, तीन बॉल में 8 रन ले चुके हैं लोग। अरे वाइड, आखिरी तीन बॉल, स्कोर 125। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए जय अंबानी, और बहुत ही बढ़िया शॉट होगी, लेकिन बॉल सीधी फील्डर के हाथ में। आखिरी दो बॉल बाकी है, स्कोर 125। विक्रम दांतेवाड़िया जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, जिन्होंने टीम राजेंद्र रॉयल्स को बहुत कामयाबी दिलाई है इस टूर्नामेंट में बॉल से और बैट से। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट और बॉलर फील्डर के हाथ में है, कैच आउट, प्रकाश जो टीम के कप्तान है। और रिप्ले देखिए, आखिरी दो बॉल और हैट्रिक बॉल है, क्या संतोष जी हैट्रिक ले पाएंगे? देखते रहिए TYC टूर्नामेंट का अगला बॉल। और ये हवा में बॉल, लेकिन पिच हो चुकी है, ओवर कंप्लीट। 127 इन्होंने मारे है, स्कोर 128 टारगेट है फॉर कुमता। हम मिलेंगे थोड़ी ब्रेक के बाद, जब तक देखते रहिए DYC कॉन्सेप्ट कप 2019। धन्यवाद।